नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, महागठबंधन के सहयोगी दल के नेताओं के साथ नियोजित शिक्षक संविदा कर्मियों के मसले पर सीएम ने बड़ी बैठक की है। कल उस बैठक से जुड़ी हुई तमाम पहलू पर बातें परत दर परत उभर कर सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या है सारा मामला, हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल पर संविदा कर्मी पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज़ बुलंद की जाती है। तो दोस्तों सीएम ने दिया मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा। माले विधायक महबूब आलम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया है। आलम ने बताया कि सीएम ने उनसे कहा कि शिक्षक संविदा कर्मी जो मांगे हैं उन पर कैसे क्या हो सकता है इस पर विचार किया जाए, जो भी नियम संगत होगा अवश्य किया जाएगा। आलम ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का मामला महबूब आलम के द्वारा लगातार सदन से लेकर और तमाम जो है कि सवाल उठाए जाते रहे हैं, विभिन्न पहलुओं पर उनकी बातचीत हुई। और बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस के विधान पार्षद मदन मोहन झा, भाजपा विधायक सत्येंद्र यादव, भाजपा विधायक अजय कुमार और माले विधायक जो है कि महबूब आलम शरीफ हुए। इसके अलावा कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। राजकर्मी का दर्जा देने के साथ संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। जो है कि 10 जुलाई को दिया था आश्वासन मुख्यमंत्री ने, मॉनसून सत्र के दौरान जुलाई में महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों और विधान पार्षदों को शिक्षकों और संविदा कर्मियों के मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, सत्र के बाद इस पर विचार किया जाएगा, हम सब मिलकर इस पर विमर्श करेंगे। राजकर्मी बने तो क्या लाभ मिलेगा, अनुकंपा का लाभ मिलेगा, पेंशन का लाभ मिलेगा, तमाम तरह की जो भाता दिया जाता है वह सब कुछ जोड़कर वेतन मिलेगा। तो यहाँ जो है कि आपको हम बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षक संविदा कर्मियों के मुद्दे पर शनिवार को बड़ी बैठक की है। राजकर्मी का दर्जा देने के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक में महागठबंधन के सहयोगी दल के नेताओं के साथ इन मुद्दों पर विचार विमर्श किया। शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद सहयोगी दल के नेताओं ने बातचीत को काफ़ी सकारात्मक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सारी बातें ध्यान से सुनी और सीएम ने सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जानकारी उपलब्ध करवाया, सबको बताने का काम किया। और जो है कि उन्होंने बताया कि हम संविदा कर्मी शिक्षकों के लिए हमेशा गंभीर हैं और उनके कल्याण के लिए चिंतित भी रहते हैं। सीएम ने शिक्षकों के लिए हर संभव कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बातचीत बेहद सकारात्मक रही है और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा से लेकर तमाम मुद्दों पर बात हुई। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुला रखा था, उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी, हमें विश्वास है कि हमारी बातचीत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। खान ने बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति कराने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा विभाग के हाल के में लिए गए निर्णय को बेहतर बताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, बाद में उन्होंने पदाधिकारियों से भी इस संबंध में बात की। खान ने मुख्यमंत्री से कहा
कि आप शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है, नियोजित शिक्षकों की मांग, उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिले, आप इस पर गंभीर विचार करें। तो तमाम बातों के बाद जो है निर्णायक बातें निकल कर आ रही है, उसके अनुसार माले विधायक महबूब आलम के द्वारा ही शिक्षकों से को छोड़कर अन्य संविदा पर नियोजित कर्मियों, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज, किसान सलाहकार, आशा आदि जो आंदोलन में संलिप्त थे, जिन्होंने आंदोलन किया था, उनके मुद्दे को भी महबूब आलम के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, अन्यथा सारा का सारा बैठक शिक्षकों के राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के इर्द गिर्द घूमता रहा। कांग्रेस ने तो खुलकर, शकील अहमद खान ने सिर्फ वकालत की शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की, इनके द्वारा जो है कि बिहार के अन्य संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कहा गया, बाकी के विधायकों ने भी यही काम किया। तो यहाँ हम आपको बता दें, बिहार के संविदा कर्मी भाइयों, यदि आपको अपने भविष्य की चिंता है तो नीतीश कुमार खोजते हैं रेल अमरेला, और जब तक शिक्षकों ने रेल अमरेला कर दिया तो उनका मामला जो है अभी भेपर लाइट के जैसे प्रज्वलित हो रहा है, और बिहार के संविदा कर्मियों का जो मामला है वह ढिबड़ी के जैसे टिमटिमा रहा है, और नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि शिक्षकों को राजकर्मी बना दे कि छोड़ दे, राजकर्मी बना दे कि छोड़ दे। लेकिन मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह बैठक पर बैठक करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, लेकिन अंततो गतवा बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना ही इनको पड़ेगा, क्योंकि उनका मामला जो है कि सारे सहयोगी दल कह रहे हैं, और वे लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन के माध्यम से सरकार को अपनी ताकत दिखाया है, जिसका प्रतिफल आज उन्हें मिलने जा रहा है, और बिहार के संविदा कर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, जबकि यह चुनावी वर्ष है, रेलम रेला करना चाहिए और नीतीश कुमार को दिखा देना चाहिए कि बिहार के अन्य संविदा कर्मी भी शिक्षकों से कम प्रतिभाशाली नहीं हैं, हर पहलू पर, हर मुद्दे पर जो है कि शिक्षकों से ज़्यादा प्रतिभाशाली, ऊर्जावान बिहार के अन्य संविदा कर्मी हैं, जो कि लगातार सरकार से अपनी मांगों को तो रखते हैं लेकिन रेलम रेला में पिछड़ जाते हैं, और पंचायत शिक्षक जो हैं अपना संख्या बल प्रदर्शन करने में, सड़क पर उतरने में काफ़ी जो है कि आगे रहते हैं, और संविदा कर्मी पिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पंचायत शिक्षक, नियोजित शिक्षकों का मामला भेपर लाइट के जैसे प्रज्वलित हो रहा है, और अन्य संविदा कर्मियों का मामला ढिबड़ी के जैसे जो है कि टिमटिमा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी, यदि अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार हैं, तो इस चुनावी वर्ष में एक तिथि तय करें इस चैनल के माध्यम से, और तमाम लोग सड़क पर उतर कर यह दिखा दें कि बिहार के 12 लाख संविदा कर्मी भी नियोजित शिक्षकों से कम नहीं हैं, और समय आने पर अपनी एकजुटता दिखाकर चुनाव और हर तरह से सरकार को मुँह तोड़ जवाब देने का काम कर सकते हैं। बाकी की जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और कान में तेल डालकर सो जाइए। 30,000 रुपया मानदेय दिलाने का काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन यदि आप राजकर्मी घोषित नहीं हुए तो आपको जो है कि नियोजित शिक्षकों की तरह ही भविष्य में आंदोलन करना होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का वेतन वर्तमान में 30,000 है, लेकिन फिर भी ये लोग राजकर्मी का दर्जा के लिए आज संघर्ष करके और जो है कि वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को सोचना है कि आपका भविष्य किस तरफ जाएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, यह जो है कि आपकी जवाबदेही बनती है। आप अपने संघों के माध्यम से इस चुनावी वर्ष में यदि जो सड़क पर उतरने का काम कीजिएगा तो सरकार की जो है कि ईंट से ईंट बच जाएगी और सरकार आपको भी राजकर्मी घोषित करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।